देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खटीमा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर केक काटा और अस्पताल में मरीजों को फल भी बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर खटीमा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में कई सारे आयोजन किए। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मंडी समिति अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत के साथ केक काटकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल बांटे। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विमला मंडेला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु हैं, वो विश्व के नायक हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे चल रही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य में हमारे मंडी समिति में नंदन सिंह खड़ायत जी, जो इसके मंडी चेयरमैन हैं, उनके द्वारा और हमारी महिला मोर्चा के द्वारा हमारी समूह की सभी बहनों को करीब 400 कैरेट हमने बांटे हैं और हमारे क्षेत्र की पूरी बहनें जो है पूरे जोशो उत्साह से जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पहुँची हुई हैं और हमने उनका जो है बहुत बहुत सबने मिलके जो है उनको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। हमें जो है हमेशा के लिए जो है ऐसे विश्व गुरु के रूप में प्रधानमंत्री मिले हुए हैं, विश्व के नायक हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें इन पे गर्व है। और आज जब ये G20 दिल्ली में हुआ, वो दृश्य हमारी नज़रों के सामने से जब आया तो हमें अपने पे इतना गर्व हुआ कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं। पूरी बड़ी बड़ी हस्तियां जो थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे चल रही थी, ये गौरवान्वित पल थे हमारे लिए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मंडी समिति अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे मंडी सभागार में हमने कार्यक्रम का आयोजन किया। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि कल हमने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन मनाया और आज हम भारतवर्ष के पूरे विश्व के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश 2014 से लगातार विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आने वाले 2024 के चुनाव में हम आज आम जनता से, आम कार्यकर्ता से यही अपील कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है, देश विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो निश्चित तौर पर सभी लोग आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी जी को अपना अमूल्य वोट देकर, भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य मत देकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार पुनः इस भारतवर्ष में बनाए। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।